वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों एटीकेटी और बैकलॉग के जो स्टूडेंट है, जो रिपीटर और ओल्ड स्टूडेंट है, ये सभी एक क्वेरी पूछ रहे थे कि सर हमारा एडमिशन कब होने वाला है, हमारा एडमिशन फॉर्म कब निकलेगा। काफी स्टूडेंट को इसके बारे में पता है और काफी लोगों को नहीं पता, जैसे कि मैंने प्रीवियस ही वीडियो में एटीकेटी बैकलॉग के लिए वीडियो बना दिया था। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है कि जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं कर सका है, चाहे वो जो भी रीजन हो, उनके जॉब के वजह से या कोई और अल्टरनेटिव रीजन हो, तो उन सभी दोस्तों को बता देता हूं कि किन किन स्टूडेंट का अभी भी फॉर्म फिलिंग डेट बाकी है, वो अभी जाके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको इधर मेन स्क्रीन पे जो दिख रहा है कि FIBA, SYBA, FIBCOM, SYBCOM के स्टूडेंट का अभी भी डेट है 5 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच में। अगर आपने अपना एडमिशन कर लिया तो दोस्तों आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने 16 मार्च से लेके 22 मार्च तक अगर आप एडमिशन कराते हो तो आपको एक्स्ट्रा 100 रुपीज पे करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको एक सब्जेक्ट में केटी है तो 300 देना पड़ेगा, दो सब्जेक्ट में तो 530, अगर तीन सब्जेक्ट में तो 1110 आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप 16 से 22 के बीच में अगर आप एडमिशन लेते हो तो हर जगह आपको 100 रुपीज इंक्रीज होता हुआ मिल जाएगा। अब आप बात करते हैं दोस्तों TYBA स्टूडेंट की। दोस्तों वो FYBCOM, SYBCOM, FYBA, SYBCOM का था, SYBA का था, अब ये TYBA स्टूडेंट का। दोस्तों आपका तारीख अगर आपने 3 मार्च से लेके 9 मार्च के बीच में एडमिशन कराते हो तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगा, ठीक है। और दोस्तों आज ही 9 मार्च है, अगर आज आपने एडमिशन करवाया कोई भी लेट फीस नहीं लगेगा। लेकिन कल से 10 मार्च से लेके 15 मार्च तक का आपके पास टाइम है, आप अगर एडमिशन कराओगे तो लेट फीस 100 रुपीज आपको पे करना होगा। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड है, वो है TYBCOM स्टूडेंट। दोस्तों TYBCOM का भी सेम 3 मार्च से लेके 9 मार्च, अगर आपने आज एडमिशन करवाया तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगा। लेकिन आज के बाद 10 से लेके 15 के बीच में अगर आप एडमिशन कराते हो तो दोस्तों आपको 100 रुपीज लेट फीस लग जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको फीस स्ट्रक्चर बता के मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप खुद वीडियो को पुश करके देख सकते हो या तो वीडियो को फिर से रिमाइंड करके पीछे आके फिर से देख सकते हो। देन दोस्तों उसके बाद आ जाती है, वो है MA Part 1 और Part 2। MA एजुकेशन स्टूडेंट की बात कर लेता हूं दोस्तों। दोस्तों इनका जो तारीख है 5 मार्च से लेके 15 मार्च तक का है। दोस्तों अगर आपने इसके बीच में एडमिशन करा दिया तो आपको कोई भी लेट फीस देने की जरूरत नहीं, 100 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक में अगर आपने एडमिशन करवाया तो आपको 100 रुपीज पे करना होगा, चाहे आप MA Part 1 के स्टूडेंट हो या MA Part 2 के स्टूडेंट हो। MA Part एजुकेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करना, जिन्हें ये इंफॉर्मेशन नहीं पता है उन्हें भी पता चले। फिर से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।